हेलो फ्रेंड्स, मैं वासुदेव प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर से। आज हम बात करेंगे सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या होती है तथा एक वेब पेज के निर्माण में सीएसएस किस प्रकार से सहायक होती है। सीएसएस की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। क्लासिफिकेशन, एक वेब पेज बनाने के लिए जैसा कि हमने पहले भी देखा है, तीन मेन लैंग्वेज का योगदान होता है, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML तथा CSS के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। HTML वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब पेज का व्यवहार या बिहेवियर दिखाने के लिए काम में आती है। जबकि CSS, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, CSS जो है एक वेब पेज का लेआउट तैयार करने के लिए कि उस वेब पेज का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, हाउ इट्स लुक। जब यूज़र उसको देखेगा तो उसको क्या क्या दिखेगा, किस कलर में दिखेगा, किस फॉर्मेट में दिखेगा, वो सब डिसाइड करने का काम जो है CSS के द्वारा किया जाता है। एग्जांपल द्वारा देखते हैं कि ये लेआउट किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ एक वेबसाइट देखते हैं, यह एक वेबसाइट है जिसमें हमने देखा है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जैसे ये रेड कलर में, ये अलग कलर में दिखा हुआ है, एक अलग फॉर्मेट डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे, कलर वाइज, एट्रीब्यूट वाइज, अलग अलग तरीके से ये इमेजेस का अलाइनमेंट हो गया। हर चीज़ जो है एक CSS के स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन की गई है, इसलिए ये वेब पेज इस तरह से दिख रहा है। अगर हम सोचो कि इसमें से सारे कलर्स हटा दें और सारे एक लाइन के अंदर लिख लें, तो ये वेब पेज जो है ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए CSS का यूज़ किया जाता है ताकि वेब पेज अच्छा दिखे। HTML element are to be displayed on the screen, paper or another media। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, किस तरह से देखेगा वो हमारा मेन काम है। CSS के द्वारा हमारा बहुत सारा काम बच जाता है। क्यों? क्योंकि एक लेआउट, एक सिंगल लेआउट या एक सिंगल डेफिनेशन जो हम किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी चीज़ की देते हैं, वह उस वेब पेज के अक्रॉस कहीं भी काम में ली जा सकती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेज। हमें वेब पेज सिर्फ एक बार डिफाइन करना है CSS में, और उस स्टाइल शीट को, उस CSS फाइल को एक तरह से हम हर वेब पेज में काम में ले सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। CSS को कैसे HTML पेज में लिखा जाता है, इंटरनली या एक्सटर्नली, उसके लिए हम आगे देखेंगे। नॉर्मली हम CSS को एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करना बेहतर समझते हैं, ताकि हमें एक CSS फाइल को ही हर बार एडिट करना पड़े किसी भी चेंज के लिए। CSS सिंटेक्स, CSS में हम सिंटेक्स क्या लिखेंगे, क्या रूल डिफाइन करेंगे जिससे कि उस एट्रीब्यूट का कलर चेंज हो जाए या फिर उसमें कोई स्टाइल चेंज हो जाए, उसके लिए एक सिंटेक्स का फॉर्मेट होता है, वो किस तरह से होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एट्रीब्यूट जो है HTML का, किस एट्रीब्यूट के साथ हम CSS ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा एट्रीब्यूट का नाम। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, जैसे कि हमने देखा था हेडिंग H1 हेडिंग है, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML की। HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती है, उसमें सबसे पहली H1 है। इस H1 में हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना या फिर इसका बॉर्डर चेंज करना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे कि H1 की हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। अब कैसे करेंगे H1 की स्टाइल चेंज, इसके लिए ये एक सेलेक्टर है, ये सेलेक्ट करेगा उस वेब पेज के अंदर कहीं भी H1 लिखा होगा, उस H1 को सेलेक्ट करेगा और उसमें एक स्टाइल अप्लाई करेगा। कौन सी स्टाइल अप्लाई करेगा, जो भी हम अभी यहाँ डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टाइल शीट हमने डिफाइन की यहाँ पे, जहाँ H1 के साथ हमने उसका कलर जो है ब्लू कर दिया। ये एक डेफिनेशन है, कैसे लिखेंगे, H1 के साथ हम पहले मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, दो ओपनिंग मंजिला ब्रैकेट और क्लोजिंग मंजिला ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो है, ये क्या कहा जाता है, ये एक डिक्लेरेशन है स्टाइल शीट का। इसी डिक्लेरेशन में ये जो चीज़ें हैं, ये है प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कलर, उस H1 का कलर क्या रखना चाहिए या उस H1 की फॉन्ट साइज क्या रखनी चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। किसकी, इस सेलेक्टर की प्रॉपर्टी है जो हम चेंज करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे वो इसमें दिखाया गया है वैल्यू। जैसे यहाँ कलर की वैल्यू जो है ब्लू है और फॉन्ट साइज की वैल्यू जो है 12 है। इसी तरह एक सेलेक्टर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम समय समय पर या फिर अलग अलग तरीके से बदल कर हम उसको अच्छा लेआउट तैयार कर सकते हैं, जिससे कि वो वेब पेज देखने पर हमें उसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। इसका डेमो हम देखेंगे कि ये प्रेजेंटेशन जो यहाँ दिखाया गया है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तौर पर किस तरह से काम करता है तथा उसका आउटपुट भी देखेंगे। एक CSS फाइल में एक CSS फाइल जो है HTML में किस प्रकार से ऐड की जाती है वो हम देखते हैं। एक CSS फाइल या एक CSS ऐड करने के लिए HTML में तीन प्रकार के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब है हम HTML की फाइल अलग बनाएंगे तथा CSS की फाइल अलग बनाएंगे।
ऐसा करने इसलिए बेहतर रहता है क्योंकि हमें हर बार HTML की फाइल खोलकर उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत सारे वेब पेज हमने एक वेबसाइट में बनाए गए हैं और हमने एक ही स्टाइल शीट अप्लाई की है, एक सिंगल स्टाइल शीट ऑन द कंप्लीट वेब पेज। तो अगर हमें किसी एक सिंगल वेब पेज में अगर हम चाहें कि उस सारी वेबसाइट में चेंज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक CSS की एक्सटर्नल फाइल है उसी में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग अलग से हर बार सारे HTML पेज खोल के चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद इंटरनल CSS, ये इंटरनल CSS हम हेड ब्लॉक में लिखते हैं, जिससे कि हर HTML पेज के हेड ब्लॉक में लिखते हैं। और इनलाइन CSS, अगर हमें किसी एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर कोई स्टाइल चाहिए तो हम वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ ही अटैच कर देते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है CSS कोड इन अ डिफरेंट फाइल, और हम उस फाइल को जो है HTML पेज में लिंक कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं अभी हम डेमो देखेंगे। CSS कोड इन HTML फाइल इन हेड ब्लॉक, हेड ब्लॉक के अंदर हम CSS का कोड लिख देते हैं, ये उस वेब पेज पर ही अप्लाई हो सकता है। और इसमें इनलाइन CSS में हमने जो पर्टिकुलर कोड है वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ लिखा है, पर्टिकुलर टैग के साथ लिखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस टैग पर ही अप्लाई होगा। हम डेमो देखते हैं कि ये CSS किस प्रकार से काम करती है, कोडिंग वे में किस प्रकार से काम करती है, आइए देखते हैं। इसके लिए मैं नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड में न्यू फाइल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक HTML में एक एक्सटर्नल CSS फाइल को किस प्रकार से लिंक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बेसिक HTML का कोड लिख देते हैं। यहाँ हेड ब्लॉक है और यहाँ बॉडी ब्लॉक है। बेहतर कोड लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी कोड लिखे हैं तब इस प्रकार से लिखें ताकि हमें पता लगे कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग किस प्रकार से है। अभी आपको दिखेगा ये कि इसमें कैसे पता लगता है। फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने एक टेस्ट फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करता हूँ मैं index.html के नाम से। सेव किया, यहाँ बॉडी में मैं एक H1 टैग डिफाइन करता हूँ, दिस इज माई हेडिंग। अब हमें जो भी स्टाइल शीट लगानी है, जो भी स्टाइल लगानी है इस H1 कलम लगानी है। अगर हम कोई भी स्टाइल नहीं लगाते हैं तो किस प्रकार से दिखता है, ये दोनों चीजें अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस टेस्ट फोल्डर के अंदर ये फाइल है, अभी हमने कोई स्टाइल नहीं लगाई है तो ये दिस इज माई हेडिंग दिख रहा है। अब हम एक स्टाइल शीट का निर्माण करते हैं, अलग से एक नई फाइल खोलते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल में एक स्टाइल शीट बनाते हैं। उस स्टाइल शीट में हम चाहते हैं किस प्रकार से लिखेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था, सबसे पहले सेलेक्टर का नाम। तो सेलेक्टर क्या है, H1। H1 जो है सेलेक्टर है क्योंकि इस index.html फाइल में ये H1 जो है एक टैग है, इस टैग को हमने एज ए सेलेक्टर लिया है। यहाँ लेने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे मंजिले ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसे मंजिले ब्रैकेट के स्टार्टिंग में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस H1 का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे कलर। कलर क्या करना चाह रहे हैं इसका, ब्लू। ये इसी तरीके से रहेगा, पहले सेलेक्टर का नाम आएगा, फिर ओपनिंग मंजिला ब्रैकेट, फिर कलर, यानी कि जो डिक्लेरेशन है इसमें कलर जो है उसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर कॉलन आता है इन दोनों के बीच में, प्रॉपर्टी तथा वैल्यू के बीच में, तथा यहाँ पर प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू, वैल्यू के बाद आता है सेमी कॉलन। हर स्टेटमेंट के एंड में एक प्रॉपर्टी तथा वैल्यू के कोलैबोरेशन या करेक्शन के बीच में सेमी कॉलन आता है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ कलर लिख दिया, एक दूसरा एक और प्रॉपर्टी हम इसमें डालते हैं, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू, हमें यहाँ लिखते हैं सेंटर की, ये सेंटर में आ जाए और यहाँ सेमी कॉलन। ये फाइल मैंने एक CSS फाइल बनाई है जिसमें मैंने ठीक उसी प्रकार लिखा है जैसे कि PPT में बनाया है, किस तरह से ये देखिए यहाँ पर। सेलेक्टर के बाद डिक्लेरेशन है ये, और ये जो है प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में यहाँ कॉलन है और यहाँ सेमी कॉलन। इस सेम फॉर्मेट में मैंने वहाँ लिखा है CSS फाइल के अंदर, देखिए ये एक CSS फाइल है। इसको किस प्रकार से सेव करते हैं ये देखिए, इसमें जाते हैं फाइल में, सेव एज करते हैं। ये फाइल वहीं सेव होनी चाहिए जहाँ पर ये पहले से जो फाइल HTML की फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में सेव करनी है। इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ mystyle.css, क्योंकि एक CSS फाइल है इसलिए इसका एक्सटेंशन जो है .css होगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, इसको हम HTML फाइल के फोल्डर में ही सेव करते हैं। ये फाइल हमने एक बनाई है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो हमारी HTML फाइल है इसमें हमने इस फाइल को लिंक नहीं किया है। इस CSS फाइल को HTML फाइल में लिंक करने के बाद ये फाइल इसके साथ अटैच हो जाती है, तथा जो H1 की जो हमने स्टाइल लिखी है वो स्टाइल इसमें
दिखने लग जाए, किस प्रकार से लिंक करेंगे, इसके लिए टैग यूज किया जाता है लिंक, LINK लिंक। और इसके साथ एक आरियल एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है जो ये दिखाता है कि ये एक स्टाइल शीट है। उसके बाद हम उसका टाइप लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश css। उसके बाद हम उस फाइल का लोकेशन, लोकेशन कैसे डालते हैं हमेशा href इज इक्वल टू लिंक जो डालते हैं हम mystyle.css। यह एक तरीका है एक css फाइल को html फाइल में सेव करने का। क्या क्या लिखा है हमने, लिंक, लिंक के एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, या तीन टैग लिए गए हैं rel typ और href में उसका लिंक होता है। इसको सेव करते हैं यहाँ पे। सेव करने के बाद हमने देख लिया ये स्टाइल शीट है, ये html फाइल है, इन दोनों को सेव किया, इन दोनों को लिंक भी कर दिया। अब हम उस ब्राउजर को खोलते हैं तथा कंपेयर करते हैं, ये सेव कर लिया, हमें इसको रिफ्रेश करते हैं क्या होगा। टेक्स्ट फाइल में अपने या css फाइल में लिखा है इसका कलर ब्लू होना जाना चाहिए और टेक्स्ट अलाइन ये जो है सेंटर में आ जाना चाहिए। तो आइए इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये इसका कलर जो है ब्लू हो गया जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये एक वेब पेज के सेंटर में आ गया। ये देखिए अगर हम कुछ चेंज करके देखना चाहें तो कलर इज इक्वल टू ग्रीन करते हैं हम, ग्रीन करते ही ये ग्रीन हो जाना चाहिए इस css फाइल में। हमने html फाइल में कोई चेंज नहीं किया है, हमने css फाइल में सिर्फ उसका कलर चेंज किया है। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते ही ये ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट इस तरह से काम करती है। अब अगर हम चाहें कि ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, जो सेकंड तरीका है हमारा css ऐड करने का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग टैग डिफाइन कर लेता हूँ पैराग्राफ का, पी दिस इज माई पैराग्राफ, माई पैरा। ये एक मेरा पैराग्राफ है पी टैग के अंतर्गत लिखा हुआ है ये। तो इसके लिए अगर मैं स्टाइल शीट लिखना चाहता हूँ इसी फाइल के अंदर, तो किस प्रकार से लिखेंगे, उसको लिखने के लिए यहाँ पे एक टैग यूज किया जाता है स्टाइल, ये दूसरा तरीका है स्टाइल को, हम यहाँ ओपनिंग स्टाइल और यहाँ क्लोजिंग स्टाइल। इसके बाद हमने सेम तरीका लिखना है, सबसे पहले सेलेक्टर यहाँ पे क्या होगा पी, इसके बाद दो मंजिले ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल पी जो है इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, कलर इसका कलर मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्लू। बस अभी हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे कि पी में कलर ब्लू हो जाना चाहिए। इसको सेव करते हैं, अब यहाँ आप देखते हैं रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए ये जो पैरा लिखा है दिस इज माई पैरा, ये पैराग्राफ के अंतर्गत लिखा है और इसका कलर ब्लू हो गया। ये जो ये स्टाइल शीट जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट थी, और ये स्टाइल जो है इंटरनल स्टाइल शीट। तीसरा अगर हम चाहते हैं, तीसरा तरीका इन दोनों तरीकों को यूज ना करके, तीसरा तरीका कि हम चाहते हैं इस टैग के अंदर स्टाइल टैग का प्रयोग करें, तो किस प्रकार से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ सीएसएस, इनलाइन सीएसएस कह सकते हैं इसको। तो किस प्रकार से काम करता है ये देखिए, यहाँ पर यहाँ हमें टैग एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा स्टाइल, पी टैग के अंदर ही हम स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग कर रहे हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग, एट्रीब्यूट का प्रयोग करने का सेम तरीका होता है, हमने पहले यहाँ लिखेंगे एट्रीब्यूट इज इक्वल टू फिर कोट्स, इस कोट्स के अंदर हमें वैल्यू लिखनी है डिक्लेरेशन की। वो किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर, फिर यहाँ आएगा कॉलन, फिर इसकी वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ कलर लिख देता हूँ टोमेटो, और यहाँ सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लाइन को पी स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू टोमेटो। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ इस पेज पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों अलग अलग तरह की सीएसएस के। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने एक्सटर्नल सीएसएस लिया है, सेकेंड एग्जाम्पल हमने इंटरनल सीएसएस का यूज किया है हेड टैग के अंदर, और थर्ड एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ लिया है इनलाइन सीएसएस उसी लाइन के अंदर। तो आप खुद ही सोचिए, जब हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहे हैं तो यह सीएसएस हमें हर बार हर टैग के साथ लिखनी पड़ेगी, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। सेकेंड सीएसएस अगर हम इस सीएसएस का प्रयोग करते हैं तो हमें हर एचटीएमएल पेज के अंदर यह सीएसएस ऐड करनी पड़ेगी,
जो भी एक लेंदी प्रोसेस है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाना। यह एक सीएसएस फाइल हम हर एचटीएमएल पेज के साथ लिंक कर सकते हैं और वो लिंक करने के बाद यह हर एचटीएमएल पेज में वो स्टाइल शीट लागू हो सकती है। जब भी हम एक वेबसाइट देखते हैं तो हम देखते हैं कि वेबसाइट का फॉर्मेट जो होता है फिक्स रहता है। हम किसी भी पेज पर जाएं, एक पर्टिकुलर हेडर फुटर ये चीज़ जो है फिक्स रहती है, बीच में सिर्फ कंटेंट चेंज होता है। इसलिए तो हमें हर बार वही हेडर और फुटर की सीएसएस बार बार नहीं लिखनी पड़े, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का प्रयोग किया जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और हम चाहें अगर कुछ भी चेंज करना उस फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इस वेबसाइट के अंदर, अब मैं इस पेज पर हूँ, यहाँ पर ये सेम ये हेडर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मीनू तक तब तक सेम है और नीचे का फुटर चेंज है। अगर मैं किसी भी पेज पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे जाता हूँ, पीडीएफ है, यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम फाइल्स में सेम ही रहता है, जैसे हम फेसबुक वगैरह पे देखते हैं किसी भी साइट पे देखते हैं तो नॉर्मली हेडर और फुटर सेम रहता है, इसीलिए हम एक्सटर्नल सीएसएस का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।